नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सतीन शर्मा। उज्जैन से एक ऐसा मामला सामने आया था जिसने एक बार फिर से देश को शर्मसार कर दिया। 12 वर्ष की नाबालिग बच्ची खून से लथपथ दर दर भटकने को मजबूर थी। जब इसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया तो एक बार फिर से उंगली उठने लगी कि क्या हमेशा की तरह फिर बच्चियों को इसी तरह टारगेट किया जाएगा? आखिर कब तक यह मामला चलेगा? दरिंदगी यह कब खत्म होगी? बच्ची दर दर भटकती रही लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। लगातार शरीर से खून बह रहे थे। अब इस पूरे मामले पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की है और साथ ही कल रात एक आरोपी का एनकाउंटर किया है, जिसके बाद से उसके पैर में गोली लगी और इस वक्त वह आरोपी अस्पताल में भर्ती है। इस एनकाउंटर के बाद राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने आया है और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि इस तरह की घटना बर्दाश्त कतई नहीं की जाएगी और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। आप भी सुनिए शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं। उज्जैन में जिसने अक्षम्य जघन्य अपराध किया है मासूम बिटिया के साथ, वो अपराधी पकड़ा गया है। उज्जैन का ही है, भरत नाम है उसका। पकड़ने में वो घायल भी हुआ है, उसको कठोरतम दंड दिया जाएगा। हम कसर नहीं छोड़ेंगे अपराधी को कड़ी सजा दिलाने में। मैं लगातार हर घंटे स्थिति पता कर रहा था इस तरह के अपराधी समाज में रहने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। उसने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया। बेटी मध्य प्रदेश की बेटी है, उसकी हर तरह से हम चिंता करेंगे, लेकिन ऐसे अपराधी को कठोरतम दंड मिले इसमें कोई कसर नहीं रहेगी। वो मेरी बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है, मैं चिंता करूंगा। तो सुना आपने। आपको बता दें कि राज्य में चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल के बीच जिस तरह से यह मामला सामने आया है महाकाल के मंदिर के पास से, और उज्जैन से यह मामला जो सामने आया है, उज्जैन नगरी जिसे महाकाल की नगरी कहा जाता है, जहां पे लोग अपनी फरियाद लेकर जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि महाकाल उनकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। लेकिन महाकाल की इस नगरी में 12 वर्षीय बच्ची भी सुरक्षित नहीं है। यह मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश पुलिस पर कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं और वहां की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। इसको लेकर के अब लगातार विपक्ष भी शिवराज सिंह चौहान पर लगातार हमलावर है। चुनाव का माहौल है, वैसे भी विपक्ष कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी के कोई ना कोई चीज ढूंढती रहती है, कमी को ढूंढती रहती है जिसे वह मुद्दा बना सके। और एक बार फिर से अब विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है शिवराज सिंह चौहान को घेरने का। ऐसे ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इन खबर। धन्यवाद।